है कि इंडियन कल्चर संसार भर को चौंका देने वाली अद्भुत कला विद्याओं की ही देन है और इसी भारतीय मिट्टी की एक अनमोल देन है आज के हमारे NRI प्रसिद्ध सितार सम्राट उस्ताद विलायत खां। आकर पिघल गया मेरे पहलू में आफताब, आकर पिघल गया मेरे पहलू में आफताब, अब देखना है ये कि फना हो रहा है कौन। आफताबे सितार, सितार का सूरज, आफताबे सितार। अगर आफताबे मौसिकी, आफताबे म्यूजिशियन, आफताबे एक्टर, आफताबे वो बोलते ये नहीं, सितार के बारे में उन्होंने जो लिखा आफताबे सितार, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ऑनर हुआ जो इसके पहले और इसके बाद फिर उन्होंने इस अवार्ड को रिपीट नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की कदर यहाँ वेस्ट में ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान से? यहाँ के लोग इतना ना ही देखने के लिए आते हैं और ना ही इतने समझदार हैं, तो वहाँ देखने के लिए भी बहुत लोग आते हैं लेकिन समझदार भी ज़्यादा हैं। यहाँ देखने के लिए भी इतने नहीं आते हैं और इतने समझदार भी नहीं है ऑडियंस में से, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे ऑडियंस में ग्लोबली मैंने नोटिस किया है कि मेरे ऑडियंस मुझे सुनने अमेरिकन ही, केवल जेन्युइननेस के पीछे बहुत दौड़ने लगे हैं अब, ये मैं देख रहा हूँ। और इंडिया में भी म्यूज़िक का शौक़ बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बताएं कि आपका हिंदुस्तान से अमेरिका तक का सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ, क्या आपका नाम आपको खींच लाया? दोनों वजहें हैं। यूं तो मैं आता रहा अमेरिका, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1949 से मैंने अब्रॉड जाना शुरू कर दिया था, इमीजिएटली आफ्टर वन और टू ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन 89 से मैं यहाँ सेटल डाउन हो गया हूँ, 90 से। लेकिन यहाँ सेटल डाउन होने का मकसद भी आप बिल्कुल ये ना समझिएगा, और मेरे मुल्क के लोगों को ये पता लगे कि वो ये ना समझें कि मैं यहाँ आके बस गया हूँ। मैं रिलीजियसली हाफ ऑफ द टाइम यहाँ गुजारता हूँ और हाफ ऑफ द टाइम मेरे कंट्री में गुजारता हूँ, बल्कि उतने ही शागिर्द में यहाँ हिंदुस्तानियों, अंग्रेज़ बच्चा बच्चियों को तैयार कर रहा हूँ जितना मैंने अपनी लाइफ टाइम में इंडिया में तैयार किया। तो यहाँ रह के सो कॉल्ड शास्त्रीय संगीत का काम मैं कर रहा हूँ। कलाकार और दर्शकों के बीच का क्या रिश्ता होता है, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं। जब हम बैठते हैं तो हम बिल्कुल अपने अंदर यह सोच लेते हैं, हमें नहीं मालूम किसको क्या समझ आएगी, हमें नहीं मालूम किसे क्या पसंद आएगा, हमें नहीं मालूम कोई कितना हमारे संगीत को समझता है या नहीं। सदा रंगीनी भैरवी, हम तो ये जानते हैं कि हम अपनी इबादत के रूप पे, पैशन के रूप पे, प्रार्थना के रूप पे, डिवोशन के रूप पे, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने विल पावर से हम अपना गाना बजाना खुद को सुनाने के लिए करें, थोड़ी देर के बाद उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आने लगता है। आपको ताज्जुब होगा कि आप ऑडियंस की बात कर रही थी, बल्कि हम खुद में से खुद निकल के एक ऑडियंस सामने जाके बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। उस वक़्त हम आप अपने ही में, अपनी बॉडी में और अपने सोल में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं एक दूसरे को सुनने सुनाने में कि इसकी बदौलत, इसके सदक़े में पूरी ऑडियंस को मज़ा आने लगता है। और बहुत दफ़ा मैंने ये भी सुना कि लोग ये कहने लगे, हम संगीत की इस खमाश के संगीत के जलसे में कभी नहीं आए थे, हमें आज कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपने हमें किसी दूसरी दुनिया में ले गए।
उस्ताद विलायत खान ने सितार की आवाज में एक नया और अनोखापन पैदा किया। न सिर्फ तारों की अदला बदली की बल्कि बजाने में भी गायकी का रंग लाने की कोशिश की। सितार की इस नई और अनोखी आवाज ने दुनिया का मन मोह लिया और उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए, जिसकी वजह से महफिलों से निकलकर उन्हें बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में सम्मानित किया जाने लगा। आज संसार में कोई नामी ऑडिटोरियम ऐसा नहीं है जहां खां साहब ने अपने सितार का जादू ना दिखाया, चाहे वो पेरिस का रॉयल फेस्टिवल हॉल हो या इंग्लैंड का रॉयल ओपेरा हॉल। आपने कई प्रोग्राम्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन आप हर परफॉर्मेंस को एक नए अंदाज, एक नई एनर्जी से पेश करते हैं। ये बताएं, आप कब डिसाइड करते हैं कि आज के कॉन्सर्ट में आप क्या बजाएंगे? मैं काफ़ी सोचता हूँ कि मैं क्या बजाऊंगा, कैसे बजाऊंगा। इस दफ़ा मैंने आज तक के पिछले चंद एक कॉन्सर्ट्स में क्या क्या बजा लिया है उसको मुझे ज़रूर याद है। उसमें उसका रिपीटेशन ना हो, उसमें कोई नई बात हो, लोगों के लिए कोई नया सबक हो, कोई नई इमेज या कोई नया व्यू उनके लिए खुले, इस चीज़ की मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। बड़ा प्री थॉट मेरा रहता है। संगीत एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, एक एक्सप्रेशन है। आप इसके थ्रू क्या फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं? जो सुरों को सोचा जाए, फील किया जाए, एनालाइज किया जाए, उसका रस के बारे में सोचा जाए, तो करते करते ऐसा हो जाता है कि जिस वक्त हम गाने या बजाने बैठते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद उस राग में रह के हम क्लाउडों में उड़ने लगते हैं, हम हवाओं में उड़ने लगते हैं, हम फूलों का पैटर्न देखने लगते हैं, उनकी रंगत, उनका पैटर्न हाथ से गले से बनाने लगते हैं पानी के अंदर, तो ऐसा ऐसा हम गाने बजाने में फील करते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हमारी उस राग के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक, उस दिन के मुताबिक हर रोज़ की वो एक ही फीलिंग है। किसी दिन उसी राग की कोई दूसरी फीलिंग होती है, उसको कुछ दूसरे रंग में, रूप में देखते हैं। खां साहब, पूरी दुनिया जानती है कि आपने मौसीकी में एक नई दुनिया समा दी है, वो है गायकी अंग। ये बताएं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ और इसका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर क्या असर हुआ? मेरे टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे मीन खींचने की एक दो नोट की और ज़रूरत है, तो फिर जवारी का टोन, सितार का के पर्दों का घुमाओ, सितार के कन्हैया लाल बनाता था सितार कलकत्ता में, उनके पास जाकर के, चूँकि मेरे अब्बा ने उन्हें सितार में बहुत सी चीज़ें समझाई थी, तो मैं उन्हें काका बाबू बुलाता था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा काका बाबू मैं सोचता हूँ कि मुझे सितार की तबली थोड़ी और मोटी चाहिए, तो वो चश्मा यहाँ लगाते थे, मुझे यूँ देख के कहने लगे, बंगाली थे तुम्हारा माथा खराब हुए थे, तो अब मैं उनके सामने क्या, मैंने कहा कि अब मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, एक साज मुझे बना दीजिए। एक डेढ़ साल में उन्होंने एक साज बना के दिया जो अब तक मेरे पास है। उसकी तबली का मोटापन आने से ही उसमें सांस बढ़ गई, जैसे सितार के अंदर एक चीज़ है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकूँगा। मैंने जितने इन्वेंशन किए हैं सितार में, इसमें पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अभी छोटे से इंटरव्यू में मैं आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो ये कि इमिजिएटली जैसे सितार में अब बताने के लिए बता, तन तन, लेकिन गाने की वसत तन, इतनी लंबी वसत शुरू हुई तो गाने की सांस की आवाज इसमें आने लगी, आ द दा दा, एक स्ट्रोक में इतनी लंबी सांस आए।
गले की सांस की आवाज साज में आने लगी, फिर लेफ्ट हैंड का काम जो कि बड़ा कम काम था, और राइट हैंड का काम सितार में ज्यादा था, लेफ्ट हैंड में ये चीज़ें लानी शुरू। ये मेरे मामू के साथ बैठ के गले की नकल में कितना कामयाब तरीन लाया जा सकता है, कोशिश की। और एक टाइम आया कि ये एवोल्यूशन, ये एक इन्वॉल्वमेंट होकर एक नई चीज़ आने लगी सितार में। और एक वक्त ऐसा आया कि काफ़ी गाने के जैसा सितार बजने लगा। ऐसी कौन सी बात है जिस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? शास्त्रीय संगीत को मत बिगाड़ो। बस यहां मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तुम्हें इसमें से क्या मिलेगा उसकी परवाह मत करो, तुम्हें इसमें रह के क्या देना है उसकी परवाह करो। संगीत को ठीक से छानो, बीनो, उसको देखो, उसका मजा लो। उसमें इसमें इतना कुछ है कि इसमें बाहर निकल के कुछ नया करने का कुछ नहीं है। इसी के अंदर कई जन्म गुजर जाएंगे करने के लिए। शास्त्रीय संगीत भारतीय परंपरा से लगभग 1400 वर्षों से जुड़ा हुआ है। हर शताब्दी में संगीत के बड़े बड़े विद्वानों द्वारा इसमें लगातार सुधार और नए नए रंग आते रहे। नए रागों का इन्वेंशन हुआ और नए ढंग और अनोखे रंग लाए गए। अमीर खुसरो, तानसेन और बैजू बावरा जैसे विद्वानों द्वारा संगीत के अलग अलग अंदाज पैदा हुए। गज़ल, ख्याल, कजरी, ठुमरी और चैती जैसी कई गायकी अंगों को सामने लाया गया। हाँ साहब, ये कहाँ तक सच है कि म्यूजिक हैज बीन अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द पीपल, जिन्होंने दोनों अपने ईरान से, अफगानिस्तान से, तुर्की से, अरब से उतरा हुआ इन्फ्लुएंस इंडिया में आई थी, और यहाँ का संगीत जो रागों की मातहत, तालों की मातहत इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें इन दोनों लोगों ने कितना बगीचा सजाया, कितने गुल फूल लगाए और कितनी और बहतात की, ये तो 1000 साल से होता आ रहा था। संगीत रत्नाकर किताब उठा लीजिए, उसी में देख लीजिए कि जो घना 6 राग थे, 5 राग थे, भैरव, शंकरा, मालकोस, हिंडोल और फलान, वो ही पूरे संगीत रत्नाकर से ही आज की भैरव अलग है, आज का हिंडोल अलग है, आज की मालकोस अलग है, आज का शंकरा अलग है। इसमें इन दोनों की नई इन्फ्लुएंस है, या तो किसी मुस्लिम की इन्फ्लुएंस है या किसी हिंदू ग्रेट मास्टर की इन्फ्लुएंस है, कि उस संगीत से ये आज एक नया हट के नया संगीत बनके, जिसका नाम है आज शास्त्रीय संगीत, ये तैयार हुआ है। इसमें आज की ये दो कौमें कितना भी अपने आप को अलग सोचें या कितने ही बड़े बन करके कुछ जोड़ना चाहें, ये जो बन गया है इससे बेहतर बन नहीं सकता, लेकिन ये टूट भी नहीं सकता। उस ज़माने में आपके वालिद और उनके दोस्त अहबाबों की बड़ी महफिलें लगती थीं जिसमें संगीत का बड़ा चर्चा होता था, उसका आप पे क्या असर था? उस ज़माने में कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी सारे हिंदुस्तान भर में, तो कलकत्ता में जब होती थी तो जितने बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स आया करते थे ऑल ओवर इन इंडिया से,
तो मेरे फादर उन्होंने दावा दिया करते थे, भाई आप आओ, चटनी रोटी हमारे साथ खाओ, हम लोग बैठेंगे मज़ा करेंगे। तो उस ज़माने में वो खाना पीना हमारे घर में चल रहा है, खूब पीना खूब खाना और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, और कोई भी एक किसी भी राग का कोई एक बोल पकड़ लिया और रिपीट कर रहे हैं एक 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 आर्टिस्ट। तो ये बिल्कुल ऐसे सर्कल में गाना बजाना चल रहा है, एक दफ़ा इन्होंने, एक दफ़ा इन्होंने, एक दफ़ा इन्होंने, और कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जो तबला है उनके हाथ में तबला है, जो गाना गाते हैं उनके हाथ में तानपुरा है, जो सितार तो उनके हाथ में सितार है। तो इस तरीके से गाना बजाना, ये वो गाना बजाना जो हमने सुना है, एक बोल, एक राग का एक बोल, उसमें 6 घंटे 8 घंटे गुजर गए। हमारी अम्मा बावर्ची लोग घर में खाने पका रहे हैं और खाना गर्म हो रहा है और ख़बर आ रही है कि हुजूर अब खाना खा लीजिए बाद में, फिर खाना ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है, ये अपने गाने को खा रहे हैं और पी रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी पत्नी ने आपका इतने एम्बिशियस करियर में कैसे साथ दिया है? जिंदगी भर अपनी इमेजिनरी ब्यूटी इन ट्रीज, वाटर, क्लाउड, एयर, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग, उसमें होते 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 एक कंपेनियन, एक ब्यूटी और एक हेल्पर और एक लव और एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो बीवी, वो मुझे किस मूड में रखती है, मुझे क्या खिलाती है, कैसे मेरी देख रेख करती है, कैसे मुझे सुलाती है, कैसे मेरी पीठ सहलाती है, कैसे मुझे खाना खिलाती है, क्या खाना खिलाती है, क्या नहीं खिलाना चाहिए, दवाओं का वक्त क्या है। इतनी ज़्यादा वो ऐसे करके आ गई है कि वो एक पाइप बन गई है और मैं उस पाइप के अंदर हूँ, चारों तरफा वही वो है। तो गरज ये है कि अल्टीमेटली इट स्टार्टेड विथ इन्फेचुएशन, देन लाइकनेस, देन बिकेम लव, अब एडिक्शन हो गया है। ना लव है, ना इन्फेचुएशन है, ना अब तो तुम्हारे बगैर मैं हो, मुझे आई डोंट नो आई लाइक यू और नॉट, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं बनता है कुछ। तो ये एक एडिक्शन है, इस एडिक्शन के बिना पे मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी प्रोफेशनली ज़िंदगी, मेरा म्यूज़िक, मेरी सारी दुनिया में आना जाना, सब कुछ अब इसमें रह गया है। आज भारतीय संगीत की परंपरा जिस तेज़ी से बदल रही है, यानी तबले की सुरीली धिन धिन और सितार की मन मोह लेने वाली आवाज़ अब इलेक्ट्रिक साजों के शोर में बदल चुकी है। वो भी था दौर के सुनते थे सुहाने नगमे, थी हर एक साज की आवाज मुकम्मल स्वर में, अब तो आवाज है दम तोड़ती बुलबुल की तरह, और हर साज है मंडी के शोर और गुल की तरह। इंडियन क्लासिकल संगीत और उसका मॉडर्नाइजेशन, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन, ऐसा स्टाइल संगीत को कहाँ ले जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बारे में खान साहब की क्या राय है? आज ऐसा भी हो रहा है, मुझे बोलने दो, कि शास्त्रीय संगीत में रह के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नए नए विदेशी इंस्ट्रूमेंटों को अपना लिया है। अरे हमारे संगीत रत्नाकर में जो आखिरी किताब है, इसके पहले नाट्यशास्त्र, सामवेदा, भरत और जाने क्या क्या किताबें थी, संगीत के ऊपर भी थी, लेकिन ये लास्ट किताब थी, इसमें ही उठा के देख लो कितने बोइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने घना चोब प्रकाशन के इंस्ट्रूमेंट हैं, कि जिनकी इंता नहीं, वो सारे छोड़ छाड़ के वायलिन, मैंडोलियन, गिटार फलाना। तो इस तरह का तरक्की मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादें
इस तरह का डेवलपमेंट ना करें, इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश ना करें कि जैसे कोई फ्यूजन, मैं तो उसको कन्फ्यूजन समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन का म्यूजिक मतलब फ्यूजन है। कामयाबी का अर्थ आपकी जिंदगी में क्या है? रियाज रियाज रियाज, साधना साधना साधना, सोच सोच सोच, और उसका इम्प्लीफिकेशन होता ही चला जाए, बस वही मजा है। और ये डेफिनेटली मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ कामयाबी, इसमें ये ना सोचो कामयाबी क्या होगी या नहीं होगी, यही कामयाबी क्या कम है कि मैं मरे दम पे ये बोलूं कि यार मैं कामयाब हो सका या ना हो सका, लेकिन सारी जिंदगी जंग तो करता ही चला गया, रुका नहीं मैं, यही कामयाबी है। आपको इस सदी का सबसे ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर माना जाता है, मगर आपको एक और जन्म का मौका मिले तो आप और क्या करना चाहेंगे? बड़े मुश्किल से जन्म जन्म के बाद या तो मैंने मोतियों के दान किए होंगे या म्यूजिक का शौक रखा होगा कि इस जन्म में आर्टिस्ट बन सका या ना बन सका, लेकिन म्यूजिक से इश्क रखने वाला तो बना, अगले जन्म में भी यही चाहूँगा। और अब अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ, जिनके बारे में आप जानकर गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार।